जो मोबाइल फोन्स का आपने जिक्र किया हुआ है अपने चालान में, वो सारी की सारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स आपने अभी तक अटैच नहीं की है। तो महाराजा की और उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमें इनकम्प्लीट लगी हैं, क्योंकि कितने बजे वो आया है, कैसे आया है, किस तरीके से आया, किस पे आया है, किसके साथ आया है, ये चीज़ें तो क्लियर आउट हुई ही नहीं है। सिर्फ अंदर खाना खाने की ही वीडियो है। उसमें क्या हुआ है कि जो चालान हमने गो थ्रू किया है उस वो चालान हमें थोड़ा इनकम्प्लीट सा मिला। जो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो भी वीडियोग्राफी, जो चीज़ें उन्होंने चालान के साथ अटैच की गई थी, उसमें हमें थोड़ी थोड़ी कमी दिखी। तो उस कमी को देखते हुए हमने 15 तारीख को कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी कि जो जो CDR जो मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर मिले हैं, रिकवर हुए हैं, और जो मोबाइल फ़ोन्स का आपने जिक्र किया हुआ है अपने चालान में, वो सारी की सारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स आपने अभी तक अटैच नहीं की है। तो एक तो हमें उसके रिगार्डिंग बताया जाए कि वो अभी तक क्यों नहीं अटैच की गई हैं, और आपकी क्या क्या जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं रिस्पेक्टिव कंपनीज़ के, उसके साथ आपकी क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, ठीक है। एक तो हमें इसका रिप्लाई दिया जाए। दूसरा, जो जो इन्होंने किराना स्टोर की जो रिकॉर्डिंग लगाई है, अटैच की है, और जो जो महाराजा की लगाई है और पराडा की लगाई है, किराना स्टोर का हमने के जो भी आपने इसका पर्पस है बिहाइंड इसको अटैच करने का चालान के साथ, एक तो हमें वो एक्सप्लेन किया जाए, और महाराजा की और उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमें इनकम्प्लीट लगी हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें बैठे हुए ही दिख रहा है या चेक इन और चेकआउट, हमें उसका एग्ज़िट और जो एंट्रेंस है वो उसका ना टाइमिंग्स हमें कुछ पता चल रही हैं और कुछ भी इस तरीके से हमें इनकम्प्लीट लगा है। तो हमने वो सारा का सारा रिकॉर्ड का एक तो कंप्लीट कीजिए और CDRs जो हैं वो अटैच कीजिए, फाइल पर लेके आइए। उस पर इन्होंने रिप्लाई दिया 15th को से 17th को जो डेट लगी है। रिप्लाई जो है उसमें इन्होंने ये बोला कि हम क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन और पूरी की पूरी फाइल क्राइम ब्रांच के पास चली गई है, इसीलिए ये रिकॉर्ड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो कृपया हमें डेट दी जाए। उसके ऊपर डेट मिली गई है आज की डेट मिली है। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग लगी है 23rd की। आज इन्होंने रिस्पेक्टिवली एक एक एप्लीकेशन का रिप्लाई फाइल कर दिया है और इसके कंसिडरेशन के लिए 23rd लगी हुई है आर्ग्यूमेंट के लिए रिगार्डिंग। तो एक बार इसके सारे के सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करके जो इन्होंने बिंदु वाइज जिन चीज़ों का एक्सप्लेन किया है, ये रिप्लाई फाइल किया है इन लोगों ने, ये रिप्लाई फाइल किया है आज। इसमें हमने टोटल 4 एप्लीकेशंस लगाई थी। पहली एप्लीकेशन जो थी वो हमारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की थी, जिसमें ये था कि जो जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं और जिन जिन मोबाइल नंबर्स का आपने चालान में जिक्र किया हुआ है, वो सारे के सारे कॉल डिटेल्स अटैच की जाए फाइल के साथ। वो अभी तक क्यों नहीं अटैच की गई हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जितने भी कॉल डिटेल्स हैं वो जस्ट 1 क्लिक अटैच हो जाती हैं चालान के साथ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है अटैच करना, तो वो अभी तक क्यों नहीं हो पाई हैं इस केस में, ऐसे क्या दे रही है। और अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है आपकी, कोई पत्राचार चल रहा है नोडल ऑफिसर के साथ, तो वो कोर्ट के सामने लाया जाए कि वो क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो एक तो उसके रिगार्डिंग रिप्लाई आया है इनका। दूसरी, हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी, जो इन्होंने किराना स्टोर की जो रिकॉर्डिंग अटैच की थी पेन ड्राइव में, हाँ उसका जो हम जब हमने वो गो थ्रू किया तो हमें कुछ क्लियर आउट नहीं हुआ कि ये पर्पस क्या है पुलिस का ये अटैच करने के पीछे। तो हमने पूछा कि काइंडली ये एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई पर्पस चालान में कुछ अटैच नहीं किया कि हमने ये क्यों कोर्ट में सबमिट की है किराना स्टोर की। तो एक तो हमने वो मांगी। थर्ड एप्लीकेशन हमने मूव की पराडा होटल की, जिसमें सिर्फ जो हमें दिखाया जा रहा है अभिषेक का मूवमेंट दिखाया जा रहा है होटल के अंदर चेक इन का, लेकिन पूरा का पूरा केस जो रिवॉल्व करता है अभिषेक की मूवमेंट्स पे, तो ना तो हमें पार्किंग एरिया का कोई वीडियो दिया गया है, ना ही चेकआउट का और चेक इन का कि कब उसने चेकआउट किया, यानी कि चेकआउट इन द सेंस सिर्फ उसके अंदर नहीं, एंट्री भी पराडा होटल की, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि उसके बाहर भी कैमराज हमने लगाए हुए हैं, तो उसका भी हमें दिया जाए कि होटल के बाहर भी अगर वो आया भी है तो वो किस पे आया है, क्या है, कैसे है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हमने अपने होटल के चारों कोनों में कैमराज लगाए हुए हैं, तो वो सारी की सारी हमें प्रोवाइड की जाए। फोर्थली, हमने महाराजा होटल की लगाई है, जिसमें भी सिर्फ यही दिखाया गया कि खाना खाते हुए की है, सिर्फ वहाँ की, ये नहीं है कि कितने बजे एंट्री की है, क्योंकि वहाँ बाहर भी कैमराज लगे हुए हैं, उसकी मूवमेंट को ही अगर ट्रैक करना है तो कितने बजे वो आया है, कैसे आया है, किस तरीके से आया, किस पे आया है, किसके साथ आया, ये चीज़ें तो क्लियर आउट हुई ही नहीं है, सिर्फ अंदर खाना खाने की ही वीडियो है। क्राइम ब्रांच को ये केस एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं है अभी कि कब ये केस दिया, फाइल कब गई, जो अभी जो प्रेजेंट जो स्टेटस चल रहा है वो यही है कि जो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है या क्राइम ब्रांच
जो DSP सर ने ये मूव किया है क्राइम ब्रांच को, अगर उनको ये लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी कमी है, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो वो अभी क्राइम ब्रांच को दी गई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री चलान पेंडिंग है। तो सप्लीमेंट्री चलान में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी अभी रह चुके हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो सारे के सारे हैं। बाकी इसका केस तो चल ही रहा है, जो 21st को हियरिंग है, 21st ऑफ फरवरी को हाईकोर्ट में CBI को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के लिए। तो